अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हैप्पी न्यू ईयर बच्चों, आपको नया साल बहुत मुबारक हो। और आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो एमएस पेंट है, तो सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन करें और पेज नंबर 52 ओपन कर लें। पेज नंबर 52 पे है एमएस पेंट। तो एमएस पेंट पिक्चर्स वगैरह को ड्रॉ करने के लिए और पेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो व्हेन वी यूज़ एमएस पेंट, तो एमएस पेंट हेल्प्स अस टू ड्रॉ एंड पेंट ऑन द कंप्यूटर। एमएस पेंट ड्रॉ करने के लिए और पेंट करने के लिए यूज़ होता है कंप्यूटर पे। क्लास वन में भी आपने एमएस पेंट के बारे में पढ़ा होगा। और इसके बाद हमने एमएस पेंट को ओपन करना है, तो उसके करेक्ट ऑर्डर क्या होगा उसको ओपन करने के स्टेप्स का। तो सबसे पहला ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें। सेकंड ये है कि ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करें। थर्ड ये है कि आपने एक्सेसरीज पे क्लिक करना है, और उसके बाद क्लिक ऑन पेंट, पेंट को क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है। तो राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेंट विंडो। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो कौन कौन से हैं? तो ये वाले हैं, ये मैं आपको अभी बताती हूँ इनके बारे में। सबसे पहले है ड्राइंग एरिया। ये सारा जो आप वाइट स्क्रीन देख रहे हैं ये ड्राइंग एरिया है। इसके बाद लेफ्ट साइड पे है टूल बॉक्स, और ऊपर सबसे ऊपर है टाइटल बार, जहाँ पे पेंट जो होगा उसका डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हैं उसे टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको हम मेन्यू बार कहते हैं, और उसके बाद ये कलर बॉक्स है लास्ट पे। आपने एमएस पेंट में वर्किंग करते हुए कुछ टूल्स वगैरह भी यूज़ करने हैं, तो ये बहुत से टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। उनमें से कुछ टूल्स हैं उनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, और वो ये है पेंसिल टूल सबसे पहले है। तो पेंसिल टूल किस लिए यूज़ होता है? इट हेल्प्स अस टू ड्रा लाइक अ रियल पेंसिल। ये रियल पेंसिल की तरह ड्रॉ करने के लिए हेल्प करता है हमें। जैसे आपकी पेंसिल होती है आप उससे राइट करते हैं ना, इसी तरह से ये पेंसिल ड्रॉ करते हुए हम कोई ना कोई पिक्चर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। इसके बाद इरेजर टूल है। व्हेन वी यूज़ इट टू अरेज व्हाट वी डोंट नीड, तो क्या है कि हम इसको यूज़ करते हैं अरेजर को उन चीज़ों के लिए जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप देखते हैं आप पेंसिल से लिखते हैं, अगर आप कोई भी लफ्ज़ गलत लिखते हैं तो आप अपनी अरेजर से उसको रिमूव कर देते हैं। तो इसी तरह से एमएस पेंट में भी ये होता है, और हम अरेजर के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब उसे छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्रश टूल है। इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ विथ थिक लाइन्स। ये थिक लाइन्स में हमें ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है, मतलब कि मोटी मोटी लाइन्स में अगर हमने ड्रॉ करनी है कोई पिक्चर वगैरह, तो उसके लिए हम ब्रश टूल यूज़ करते हैं। वी कैन इवन चेंज द थिकनेस ऑफ द ब्रश। हम ब्रश की थिकनेस, मतलब उसकी मोटाई को चेंज कर सकते हैं। जितना भी वो मोटा होगा ना, हम उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसके बाद ये आप देखते हैं यहाँ पे, ये जो ए है ना, ये टेक्स्ट होता है। हम एमएस पेंट में इस ए के ऊपर क्लिक करके अपने पिक्चर में कोई ना कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और ये सारा ड्राइंग एरिया होता है, ये वाइट स्क्रीन जो है। इसके बाद आप अपना विंटर पैक ओपन करें, पेज नंबर 113। तो इस पे है व्हाट इज़ अ माउस। तो माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है। टू टाइप्स ऑफ माउस कौन से होते हैं? ऑप्टिकल माउस और गेमिंग माउस। इसके बाद है व्हाट इज़ टच पैड माउस। टच पैड माउस कौन सा होता है? इट इज़ जनरली फाउंड ऑन अ लैपटॉप। जो टच पैड होता है ना, वो लैपटॉप पे हमें मिलता है। आप और उसके बाद है कैन वी डबल क्लिक द राइट बटन ऑफ अ माउस। नो, वी कैन नॉट क्लिक द डबल राइट बटन ऑफ द माउस। तो ये आपने देखना है, और इसको आपने अपने समर विंटर पैक से देखकर आपने अपने अलग रजिस्टर पे नोट करना है। इसके बाद आपका होमवर्क ये है कि आपने यूनिट नंबर 4 जो है उसको टेस्ट के लिए तैयार करना है, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा रेडी करना है। और अपना बहुत ख्याल रखना है। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।